किसी भी चार्ट को जब आप देखते हैं तो किसी विशेष भाव के बारे में विचार करना है, कैसे उसको एनालाइज करेंगे। आज मैं संतान से संबंधित भाव, जो कि पांचवा भाव होता है कुंडली का, जहां से संतान प्राप्ति का विचार किया जाता है। एक जातिका की कुंडली है जिसकी मैरिज हुई है और अभी इनके पास संतान नहीं है, जिसके लिए बहुत प्रयासरत हैं। तो क्या क्या स्थितियां हैं, कब इनको संतान प्राप्ति हो सकती है, किन वजहों से दिक्कतें आ रही हैं, यही सब इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। और सबसे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, ये जो जातिका है, इनका बर्थ जो है 23 मार्च 1987 को हुआ था, 14:30 पे दिन का इनका जन्म है। गुजरात अहमदाबाद में इनका बर्थ हुआ था। इनका जो चार्ट है, कर्क लग्न का है और राशि धनु है। 87 बॉर्न है। अगर देखते हैं तो अभी आज की तारीख पे करीब 34-35 ईयर इनकी कंप्लीट हो गई है और संतान प्राप्ति नहीं हुई है, मैरिज भी इनकी काफी लेट हुई है। किन किन चीजों को देख करके आप समझ सकते हैं कि क्यों इतना लेट हुआ इनकी शादी में, क्यों इनके बच्चों की जो स्थिति है अभी इतनी धीमी है, कोई भी अभी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जबकि आप चार्ट में जो स्थितियां देख रहे हैं, कर्क लग्न है और चंद्रमा इनका लग्नेश होकर के छठे भाव में है, धनु राशि में चंद्रमा इनका बैठा हुआ है। विवाह के लिए पांचवे भाव को देखेंगे, जहां से संतान का विचार किया जाता है, उसमें वृश्चिक राशि है और उसका जो राशि लॉर्ड है मंगल, वो केंद्र स्थान में है। मंगल इनका मेष राशि का स्वग्रही मंगल है, जो कि अपनी आठवीं दृष्टि से अपने पांचवें भाव को देख भी रहा है। और इनके पांचवें भाव में एक क्रूर प्लेनेट, मेल्फिक प्लेनेट शनि है, जो कि इनकी कुंडली के लिए सेवेंथ का लॉर्ड है और एर्थ का लॉर्ड है। शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। संतान का जो कारक ग्रह होता है वो गुरु होता है, जो इनके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और ये गुरु सूर्य और राहु के साथ में है। तो कारक की जो स्थिति है वो भाग्य भाव में है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि कारक गुरु भाग्य भाव में बैठ करके अपनी नौवीं दृष्टि से पांचवें भाव को भी देख रहा है। लेकिन ये जो गुरु है, इनका अस्त हुआ है। गुरु इनका 11 डिग्री और 21 मिनट 42 सेकंड का है और सूर्य की जो डिग्री है वो 8 डिग्री और 37 मिनट 02 सेकंड का है। और राहु की जो स्थिति है, राहु की जो डिग्री है, राहु इनका 18 डिग्री का है, 18, 36, 17 का। कहने का मतलब ये है कि राहु गुरु के बहुत करीब है। गुरु अस्त तो जरूर हुआ है, लेकिन अस्त से अधिक जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो गुरु के बहुत क्लोज कंजंक्शन में होने का भी, क्योंकि नैसर्गिक कारक है संतान का, और संतान का कारक राहु केतु एक्सिस पे आ करके ये राहु गुरु के बहुत करीब है। तो जो गुरु की शुभता है उसमें कहीं ना कहीं राहु कमी देने का भी प्रयास कर रहा है। तो एक कारण ये हो गया कि जो कारक ग्रह गुरु है वो अस्त हुआ है, और पांचवे भाव में जो प्लेनेट बैठा हुआ है शनि, वो स्लो प्लेनेट है, धीमा प्लेनेट है। शनि का काम क्या होता है कि जहां बैठते हैं वहां का काम बहुत धीरे धीरे करते हैं। इनका स्वभाव होता है शनि का धीमे चलने का। और वृश्चिक राशि में है, जो कि इनके शत्रु ग्रह की राशि होती है, और वृश्चिक राशि वैसे भी अगर आप देखते हैं तो काल पुरुष के हिसाब से ये अष्टम भाव की राशि है, जो कि थोड़ा सा धीमापन, रिसर्च, तकलीफ, पीड़ा, सफरिंग्स, वेदना, मतलब वृश्चिक राशि कहीं ना कहीं एक तरह के एक अलग तरह का वातावरण दिखाती है। अब शनि जैसा ग्रह वहां बैठ गया और ये राशि इनके पांचवें भाव में है, गुरु की दृष्टि जरूर है
इसलिए एक संभावना है कि संतान तो इनको अवश्य होगी, क्योंकि गुरु का आस्पेक्ट है, गुरु कितना भी पीड़ित है, राहु के साथ में होकर के सूर्य से अस्त हुआ है, इसके बाद भी चूंकि गुरु भाग्येश है, इस कुंडली का योग कारक ग्रह है और इसकी 9वीं दृष्टि जा रही है, तो संतान तो इनको अवश्य होगी और लेट हो सकती है, लेकिन संतान की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि जो इस भाव का मालिक मंगल है वो भी 10वें भाव में है, केंद्र भाव में है, तो अच्छी स्थिति कही जाएगी। और अपनी 8वीं दृष्टि से ये मंगल 5वें भाव को भी देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो ये रिजल्ट देगा। लेकिन जो राशि लॉर्ड की स्थिति अपने भाव से है, वो 6-8 की स्थिति बनी है, षडाष्टक स्थिति बनने की वजह से मंगल रिजल्ट को बहुत अच्छे से नहीं दे पा रहा है, बहुत यहाँ पे डिले आ रहा है। और मंगल की जो दृष्टि है 8वीं, वो भी 8वीं दृष्टि जो है थोड़ा सा तकलीफ तो देती है, और शनि के बैठे होने की वजह से भी चीजें इनकी काफी डिले हो रही हैं। अगर इस चीज को 5वें भाव के नक्षत्र लेवल पर देखते हैं, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड इन नक्षत्र लॉर्ड के आधार पर देखते हैं, तो 5वें भाव का जो इनका सब लॉर्ड बना है वो शुक्र प्लैनेट बना हुआ है। ये शुक्र जो नंबर दे रहा है उसमें 4, 5, 7, 10 और 11, तो जो बच्चों का हाउस है, चिल्ड्रन हाउस का जो बेसिक नंबर है 5 और 11 है, तो इससे ये तो इंडिकेशन मिल रहा कि संतान इनको जरूर होगी। लेकिन 5th हाउस का नेगोशिएशन करने के लिए 4th हाउस भी इन्वॉल्व है, तो थोड़ी दिक्कतें होंगी, विलंब होगा, डिले के बाद प्राप्तियां होंगी। और जो इसका मंगल बना है सब लॉर्ड इन नक्षत्र लॉर्ड, ये मंगल इनका दे रहा है 2, 5, 9 और 10। वापस जो है यहाँ पर उप नक्षत्र 2 और 5 जो कि चिल्ड्रन के नंबर होते हैं, उसको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से भी संभावना बन रही है कि संतान प्राप्ति इनको अवश्य होगी, थोड़ा डिले है लेकिन होगी। अब एक चीज और विचार करते हैं कि जो 7वें 5वें भाव की जो राशि है वृश्चिक, इसका जो राशि लॉर्ड मंगल है ये मेष राशि में गया है, तो मेष राशि जो होती है वो बांझ राशि में आती है, तो बांझ राशि में जाने की वजह से भी मंगल में थोड़ा सा जो रिजल्ट देने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। लेकिन ये सिर्फ इसका एक पक्ष कहा जाएगा, इस संतान के विचार के लिए केवल इसका एक सिंगल साइड कहा जाएगा कि जो मंगल गया भी है केंद्र स्थान में गया है तो शुभ है, लेकिन अपने से 6ठे भाव में गया है, 5वें भाव से 6ठे भाव में मंगल गया है, तो जो ये अपने रिजल्ट देगा वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बाद, डॉक्टर्स के पास जाके, थोड़ा सा मतलब दिक्कतों के बाद देगा, क्योंकि 6ठवां भाव हर्डल्स है, तकलीफों का भाव होता है, स्ट्रगल का भाव होता है, तो संतान की जो प्राप्ति कराएगा मंगल, थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद और परेशानी के बाद, थोड़ा स्ट्रेस के बाद फिर जो है संतान प्राप्ति कराएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से संतान का जो नैसर्गिक कारक गुरु है, गुरु के केवल अस्त होने की वजह से और गुरु के राहु केतु एक्सिस पे आने की वजह से भी संतान प्राप्ति से संबंधित जो घटना है उसमें देर हो रही है। अब गोचर की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम दशाओं की भी बात करते हैं तो इनके 5वें भाव का जो राशि लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल के ही अभी इनकी महादशा चल रही है जो कि 2023 में खत्म हो जाएगी। 16 जुलाई 2016 से लेकर के 17 जुलाई 2023 तक मंगल की दशा है। मंगल इनके 5th हाउस का लॉर्ड है। अब 2023 खत्म होने में बहुत ही कम टाइम है, लेकिन उसके बाद राहु की महादशा शुरू होगी। तो राहु क्या है, राहु भी इनके 9th हाउस में बैठ करके इनके पंचम भाव पे 9वीं दृष्टि डाल रहा है। संतान से संबंधित जो इनकी घटना होगी वो राहु की ही महादशा में होगी, क्योंकि इनके 5वें भाव के लिए जो कोर प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स आए हैं उसमें सूर्य है, गुरु है, शनि है, शुक्र है और मंगल है, तो यही प्लैनेट्स मिल करके इनको संतान प्राप्ति भी करवाएंगे। लेकिन अभी अगर आप इनके चार्ट के ऊपर विचार करते हैं तो इनका जो 5वां भाव है वहां पे एक शनि क्रूर प्लैनेट बैठा है, राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है और कारक गुरु अस्त हुआ है, राहु के साथ में होने की वजह से, डिग्री वाइज काफी क्लोज होने की वजह से लगभग 1 नवांशा के अंदर आ गया है, 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर
में बैठा हुआ है, इस वजह से भी राहु गुरु अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो पांचवा भाव जो है, अगर इसको आप नंबर्स की दृष्टि से देखते हैं तो सिर्फ एक स्थिति सही जा रही है कि इसका जो राशि लॉर्ड है वो केंद्र में बैठा है, हालांकि अपने से छठे बैठा है लेकिन केंद्र में बैठ करके वापस अपने घर को देख रहा है, तो मंगल यहाँ पर रिजल्ट देने का काम जरूर करेगा। और दूसरा ये है कि कारक जो है, कारक त्रिकोण भाव में जाने की वजह से, भाग्य भाव में जाने की वजह से वो शुभता देने का प्रयास अवश्य करेगा, क्योंकि वो कारक प्लेनेट है। तो कारक त्रिकोण भाव में बैठ करके और नौवीं दृष्टि से देख रहा है, तो जो भी इनको रिजल्ट डिलीवर करेगा वो मंगल और गुरु मिलकर के ही देंगे। कमी जो लाने का काम कर रहा है यहाँ पर राहु, दिक्कतें जो दे रहा है राहु दे रहा है, क्योंकि कारक के साथ में भी बैठा हुआ है और अपनी दृष्टि से भी वापस ये पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। और वहां पर शनि ऑलरेडी बैठा है जो कि इनके लिए आठवीं भाव का भी मालिक है। तो आठवां भाव रुकावटों का है, सफरिंग्स का है, पीड़ा का है। और किसी भी स्थिति में जब आप इनके फिफ्थ हाउस को देखते हैं तो यहाँ पर संतान प्राप्तियां अवश्य होंगी, लेकिन इसके लिए थोड़े से मेडिकल ट्रीटमेंट में जाना होगा, थोड़ा पूजा पाठ मंत्र जाप करवानी होगी, उसके बाद ही इनको संतान प्राप्ति होगी। तो किन ग्रहों के मंत्र जाप इसमें किए जा सकते हैं, किन ग्रहों को ठीक किया जाए तो इनको संतान की प्राप्ति हो सकती है, इसके लिए देखिए जो सबसे पहला आपको ध्यान देने की चीज है कि जो कारक गुरु है, गुरु को स्ट्रेंथ देनी होगी, तो गुरु के बीज मंत्रों का जाप करवाना पड़ेगा। इसके बाद राहु रुकावट डाल रहा है, तो राहु के बीज मंत्रों का अच्छे से विधि विधान से जाप करवाना होगा। दो प्लेनेट ये हो गए। तीसरा प्लेनेट फिर जो शनि यहाँ बैठा हुआ है, ये अपने रिजल्ट को रोकने रोके नहीं, जल्दी अपने रिजल्ट को डिलीवर करें, तो शनि के मंत्रों का भी यहाँ पर बीज मंत्रों का जाप अवश्य कराना चाहिए। मंगल को भी स्ट्रेंथ देनी चाहिए, हालांकि मंगल अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मंगल अपने रिजल्ट को अच्छे से खुल करके दे पाए और उसके अंदर और ज्यादा ताकत आए अपने परिणाम को देने के लिए, तो विशेष रूप से इनके लिए गुरु, राहु, शनि और मंगल, अगर इन चार ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करवाया जाए, हवन कराया जाए, और इसके बाद ये जो जातिका है ये स्वयं भी गुरु का अपना स्ट्रॉन्ग करें, गुरुवार का व्रत करें, या गुरु के जो विष्णु सहस्त्र नाम है उनको ये सुने समझें, गुरु के मंत्रों का जाप ये खुद से करें, राहु के मंत्रों का जाप करें, मंगल के और शनि के, तो इनके जो प्लेनेट हैं अपनी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी मतलब कि जो रिजल्ट को अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं या देना नहीं चाह रहे हैं, उसमें जो है सुधार आएगा। ये उपचार करने के बाद फिर जब इनको ट्रांजिट सपोर्ट करेगा, तो ट्रांजिट इनको कब सपोर्ट करेगा, अभी आप देख रहे हैं कि गुरु मीन राशि में ही है, इसके बाद गुरु 22 अप्रैल को 10th हाउस में आ जाएंगे मेष राशि में, जहां पर ये पूरे एक साल तक रहेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा यहाँ पर 2023 22 अप्रैल के बाद जब गुरु आ जाएगा, मंगल के ऊपर ट्रांजिट करेगा और शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे, आठवें भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ आठवें भाव में आ करके शनि अपने थर्ड एस्पेक्ट से मंगल को देखेंगे। तो जो पंचमेश मंगल है, मंगल का जो संबंध बन जाएगा गुरु से बनेगा, शनि से बनेगा, और ऑलरेडी ट्रांजिट के जो राहु हैं वो अभी मेष राशि में चल ही रहे हैं, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। तो ये जो आने वाला टाइम पीरियड है 17 जनवरी के बाद से और विशेष रूप से 22 अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, अगर इनके लिए पूजा पाठ करवाई जाती है, इनके मंत्रों की शांति कराई जाए और पूरे विश्वास से, पूरे मन से ये जो जातिका है संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें, गोपाल स्त्रोत करके है जो संतान प्राप्ति के लिए होता है, भगवान कृष्ण से संबंधित होते हैं उससे मंत्र, उसका ये पूरा अच्छे से करें विधि विधान से, ये सारी चीजें करें अगर ये, तो इनको 2023 में एक बार संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। उसके बाद फिर वापस इनको 2025 में फिर बनेंगे संतान से संबंधित, इनको इवेंट उस टाइम पीरियड में भी मिल सकती है, 2023 और 2024 का टाइम भी इनको संतान प्राप्ति करवा सकता है।
चार्ट में डिले है संतान में, क्योंकि शनि बैठा है तो शनि अपने काम जल्दी होने नहीं देता है, रिजल्ट को डिले करता है, और यही शनि बैठ करके इनके विवाह भाव को भी देखा, जिसकी वजह से इनकी मैरिज भी काफी लेट हुई है, 32 33 ईयर्स के करीब में जाके इनकी मैरिज हुई है। इसी शनि ने इनके विवाह को भी लेट कराया है, और इसी शनि ने इनके संतान को भी डिले करने का काम किया है। लग्नेश जो इनका है वो भी छठे भाव में बैठा है, चंद्रमा, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है लग्नेश के ऊपर, पहली चीज, केवल एक मंगल की दृष्टि है लग्न के ऊपर, ये एक अच्छी स्थिति है जिसकी वजह से इनको स्ट्रेंथ मिली है। और इनका जो धन का मालिक है वो 9th हाउस में बैठा है, एक अच्छी चीज है, भाग्य के मालिक के साथ में बैठा है। लेकिन ये धनेश भी जो है राहु केतु एक्सिस में कहीं ना कहीं माना जाएगा, तो जो भी प्लेनेट राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट लाइफ कर्मा के कार्मिक रिलेशन को दिखाते हैं। इस वजह से भी इनके लिए गुरु, राहु, मंगल और शनि, इन चार ग्रहों के मंत्रों का जाप करना चाहिए, अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए, गुरु को स्ट्रांग करना चाहिए, मंगल की चीजों का भी ये दान करें, शनि यहाँ बैठा है तो शनि की वस्तुओं का भी ये दान कर सकती हैं, सैटरडे को, अमावस्या को, काली वस्तुएं हैं और उड़द की दाल वगैरह है, ये सब चीजें दान करें, गरीबों को मदद करें, तो इनके संतान प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। लेकिन ये जरूर है कि संतान प्राप्ति होगी, थोड़ा मुश्किलों से होगी, और संतान इनको मिलेगी, क्योंकि गुरु कितना भी कमजोर स्थिति में चला जाए लेकिन एक शुभ ग्रह होता है ये, और कर्क लग्न की कुंडली के लिए विशेष योग कारक ग्रह होता है, भाग्यश होता है, इसलिए अपना पूरा जोर लगाएगा इनको संतान सुख देने के लिए। और अगर चंद्रमा को लग्न कुंडली मान करके चलते हैं, चंद्रमा को अगर आप केंद्र बना करके चलते हैं, तो चंद्रमा से केंद्र स्थान में सूर्य, गुरु और राहु हैं, तो ये जो स्थिति है ठीक है। चंद्रमा से पंचम भाव में अगर आप देखते हैं तो मंगल बैठा हुआ है, स्वग्रही मंगल है, तो वहां से भी संतान प्राप्ति की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। ये जरूर है कि इनको जब भी संतान प्राप्ति होगी तो सिजेरियन ही होगी, ज्यादा चांसेस हैं कि ऑपरेशन से ही इनको संतान होगी जब भी होगी, क्योंकि अगर आप चाहे इनके D1 चार्ट से देखिए या इनके चंद्र कुंडली से आप बना करके देखेंगे, दोनों ही स्थिति में शनि और मंगल का एक कनेक्शन बन रहा है, राहु का एस्पेक्ट आ रहा है, तो ये सारी स्थितियां जो है सिजेरियन चाइल्ड की ओर इंडिकेट कर रही हैं। जहां तक संभावना है 2023 में प्रयास करें, और 2024 का जो टाइम पीरियड है इनको संतान प्राप्ति करवा सकता है, ट्रांजिट इनको काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। आशा कर रही हूँ कि इस चार्ट को समझ पा रहे होंगे आप लोग, और मैं अलग अलग हाउसेस के ऊपर इसी तरह से चार्ट के माध्यम से भी कुछ कुंडलियां आपसे शेयर करूंगी, जिससे आप एक पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट को समझ पाए कि कोई भाव का रिजल्ट जो सुख होता है वो कैसे चेक किया जाता है, तो संतान का सुख कैसे है, किस तरह से मिलेगा, कौन से ग्रह देते हैं, कौन से ग्रह जल्दी संतान प्राप्ति करवाते हैं, कौन से ग्रह डिले करवाते हैं, आज आप इस चार्ट से थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि कारक को किस तरह से देखना पड़ता है और कारक का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। कारक बहुत महत्व रखता है ज्योतिष में, किसी का अगर संतान का कारक गुरु अच्छा है किसी स्त्री की कुंडली में तो वो अवश्य संतान प्राप्ति करवाता है, और शनि जहाँ बैठता है उस स्थान को वृद्धि करता है, लेकिन थोड़ा सा धीरे करता है, लेट करता है, क्योंकि शनि का काम ही है डिले करना। और आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, और फिर मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर कोई नया वीडियो लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।